एक दूसरे से जुदा है, एक दूसरे से टकराती भी है। जहाँ तक दुनिया वालों में विचारों में टक्कर है, वो टक्कर सूर्य और चंद्रमा के नाम से नहीं है, वो टक्कर आकाश और पाताल के नाम से नहीं है, वो टक्कर मानव शरीर में कितने नस नाड़ियाँ हैं उसे लेकर के भी नहीं है। तो आखिर विचारों में टक्कर क्या है, क्यों है, किस लिए है? तो ये साफ पता लगा कि मानव समाज में अगर एक दूसरे के साथ विचारों में मतभेद है, विचारों में टक्कर है, वो केवल ईश्वर के नाम से है और धर्म के नाम से है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग धर्म को जानते नहीं हैं वो लोग एक दूसरे से मतभेद रखते हैं। जो लोग ईश्वर को जानते नहीं हैं ईश्वर के नाम से एक दूसरे से मतभेद रखते हैं। कारण कि धर्म का काम है मानव को मानव से जोड़ना, और मजहब का काम है, संप्रदाय का काम है मानव से मानव को जुदा करना, अलग करना। तो मानव से मानव को अलग करने की बात जहाँ पर है तो वहाँ विचारों में टक्कर होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो एक विचार वाले नहीं हैं, अलग अलग विचार के हैं, और अलग अलग विचार के होने के कारण उनकी दुकानदारी धड़ल्ले से चल रही है। कारण कि एक ने देखा कि ईसाइयों की दुकान चल रही है, जब ईसाई इस ब्रह्मांड के अंदर में अपनी दुकान चला पा रहे हैं तो हम मुसलमान कहलाने वाले इसके पीछे क्यों रहे, हमारी दुकान क्यों नहीं चल सकती? इस तरीके से उन्होंने भी अपनी दुकान खोल ली है। वो जैनी बोधी जितने भी हैं सब दुकानदार लोग हैं, सब ने दुकान खोली हुई है। अब दुकानों में किसके पास सामान ठीक है, खांटी है, प्योर है, शुद्ध है, वो देखना और परखना मानव का काम है, ग्राहक का काम, विचारशील लोगों का काम है। ग्राहक कहिएगा तो थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि विचारशील लोगों का काम नहीं होगा। जो विचारवान होंगे वो जांच कर परख कर ही बात को मानेंगे, बिना जांचे नहीं। लेकिन जहाँ तक ये दुनिया में मजहब ही दुकानदार लोग मजहब चला रहे हैं, वहाँ पर जांच परख नहीं है, जांच पड़ताल नहीं है, वहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। जो कह दिया बस उसको मानना पड़ेगा। इस संदर्भ में कुरान में अल्लाह ने प्रथम ही कहा है, जालिकल किताब ला रही बफी, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस कुरान के अंदर। यानी कुरान के अंदर में कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह का अवकाश नहीं है। कुरान के अंदर में अगर कोई संदेह करे तो वह मुसलमान नहीं बन सकता, ईमानदार नहीं कहला सकता, मोमिन नहीं कहला सकता, उसको मुशरिक कहा जाएगा, मुनाफिक कहा जाएगा, उसको काफिर कहा जाएगा, बेदीन कहा जाएगा, बेधर्मी कहा जाएगा, आदि आदि। तो पता लगा कि अगर कुरान में जो बातें हैं उसको बिना चूचरा किए हुए तस्लीम कर लेना, मान लेना, स्वीकार करना, बिना छानबीन किए हुए स्वीकार करना क्या संभव है? तो वो लोग कहते हैं कि हाँ संभव क्यों नहीं है। भाई संभव हो या ना हो, लेकिन इसमें जो बात बताई गई है उसको मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानते हो, उस पर संदेह करते हो, तो फिर इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। इस्लाम से तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा, इस्लाम से तुम्हारा नाता कट जाएगा, इस्लाम से तुम अलग हो जाओगे। इस तरीके से बातें हैं, तुम मुर्तिद कहलाओगे, तुम मुनाफिक कहलाओगे, तुम काफिर कहलाओगे, बेदीन कहलाओगे। तो जो अल्लाह ने ये बात कही कि इसमें जो बात बताई गई है वो सब सही है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये शब्द आया है कुरान में, अरबी ज़ुबान में बताया गया कि कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर, इसका शाब्दी कर दिए हैं। तो जब इस किताब के अंदर में कोई शक नहीं है, अगर उसमें शक हो किसी प्रकार की,
तो बोल रहे हैं कि अगर उसमें कोई शक हो लेकिन फिर भी शक नहीं कर सकते। अब शक हो कैसे, तो ये आप लोगों के दिल और दिमाग में मैं भरने का प्रयास कर रहा हूँ कि सही अर्थों में कुरान में कही गई बात संदेह के घेरे में है या नहीं। मैं एक दो उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा जिससे आप लोग अपने आप ही निर्णय लेंगे, और आप लोगों से मैं पूछूंगा तो फिर मुझे बताने का प्रयास करना। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि औ कल लजी मर अला क़रयतिन वहिया खाविअतुन अला उरुशिहा قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأمته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوم أو بعد يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما। ये आयत मैंने आप लोगों के सामने रखी, ये सूरह बकर सूरह नंबर 2 आयत नंबर 259 का है। 259 और 260 दोनों में मिलता जुलता सौदा है। इस भाषा से आप लोगों का कोई परिचय नहीं है, लेकिन प्रमाण के लिए तो हमें बताना ही पड़ेगा। पर इसका अर्थ क्या है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने अरबी ज़ुबान में क्या बोला, कौन सी बात कही मैंने। तो बात मेरी नहीं है, कहीं आप लोग मुझ पर दोष लगाए कि आपने कही, नहीं मेरी कही हुई बात नहीं है, ये फरमान अल्लाह का है। अल्लाह ने कहा, क्या कहा, कि एक आदमी किसी एक गांव में निकल कर जा रहा था, गांव से निकल कर के जा रहा था, और गांव के लोग सुनसान मरे पड़े थे, यानी मुंह के बल औंधे पड़े थे, गांव सुनसान पड़ी थी। उस आदमी ने देखा कि गांव के सारे लोग मरे हुए हैं, तो उसने अल्लाह के तरफ मुखातिब होकर के कहा कि ऐ अल्लाह, तू इन मरे हुए को जिंदा कैसे करता है। मेरी ये किस्सा समझ रहे हैं आप लोग, समझ में आ रही है? पर किस्सा मेरी नहीं है, किस्सा कुरान की है। तो वो आदमी देखा कि ये लोग सब मरे पड़े हैं, तो वो अल्लाह से बोला कि अल्लाह, इन मरे हुए को तू जिंदा कैसे करता है। अल्लाह ने कहा, क्यों, तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हें यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है। उसने बोला, हाँ विश्वास तो है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहते हैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, वो आदमी क्या देखना चाहते हैं, मरे हुए को जिंदा कैसे करें। तो अल्लाह ने कहा, अच्छा ठीक है मैं दिखाता हूँ, तुम आगे जाओ। वो आदमी ले जा रहा था एक गधा, गधा के रस्सी को पकड़ करके जा रहा था, और उसके पास खाने पीने का सामान था। तो अल्लाह ने कहा कि सामने जाओ, आगे एक पेड़ तुम्हें नजर आएंगे, उस पेड़ के जड़ में गधे के रस्सी को बांध देना, सामान रख करके वहीं बैठ जाना। उसने ठीक ऐसा ही किया, आगे गया, एक पेड़ नजर आया, देखा वो उस पेड़ के जड़ में, उसने रस्सी को बांध दी, खाने का सामान रखा और बैठ गया। ये सुबह का समय था, तो पेड़ के नीचे बैठने से उसको ठंडी ठंडी हवा लगी, तो वो सो गया। जब वो सो गया तो उसके रूह को अल्लाह ने निकाल ली, यानी उसके आत्मा को निकाल ली। 100 साल के बाद, यानी पूरा 100 साल के बाद, उसके आत्मा को अल्लाह ने लौटा दिया उसके शरीर में, और उससे पूछा कितने दिन से सो रहे हो। उसने बोला, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वो जब सोने लगा था वो सुबह का समय था, अब जब ये जगाया जा रहा है ये शाम का समय है। उसने बोला, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ। तो अल्लाह ने कहा, अरे एक दिन कह रहे हो, तुम तो 100 साल से सोए पड़े हो, 100 साल से सोए पड़े हो, इसका प्रमाण मैं दिखाता हूँ। इसका प्रमाण क्या है, तुम जिस गधे को बांध रखे थे वहाँ पेड़ में, जिस गधे के रस्सी को पेड़ में बांधे थे, उस गधे की तरफ देखो, गधा का बिल्कुल कंकाल बन गया, बिल्कुल हड्डी हड्डी पिंजर पिंजर दिखाई दे रहा है। 100 साल में उस गधे की ये दशा है,
लेकिन आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान में संदेह के लिए अवकाश नहीं है, अल्लाह ने बोला, पर कुरान की इस किस्से में अवकाश संदेह के लिए है या नहीं ये मैं प्रमाण दे रहा हूँ कि 100 साल में वो गधा जो बांध रखा था, गधा का तो कंकाल बन गया, और वो जो खाने पीने का सामान रखा था वो बिल्कुल तरोताज़ा रहा, सड़ा गला नहीं। अच्छा, अब इस किस्से पर आप लोग संदेह करेंगे या नहीं करेंगे? यानी कोई भी बुद्धि परख मानव कहलाने वाला, इंसान कहलाने वाला, इस किस्से पर संदेह करेगा या नहीं करेगा? वो बोलेगा नहीं कि भाई 100 साल में गले का तो कंकाल बन गया और तुम्हारा खाने पीने का सामान तरोताजा रहा और तुम्हारा कंकाल क्यों नहीं बना? देखिए, उसने जो गधे को बांध दिया था उस गधे का तो कंकाल बन गया, पिंजर पिंजर दिखाई दे रहा है, हड्डी हड्डी दिखाई देने लगा। अल्लाह ने बोला मैं इसके ऊपर गोश्त भी चढ़ाऊंगा और सब सही करके दूंगा। तो जब गधे के अंदर में आपको गोश्त चढ़ाना है, गधे को सही करना है, ये आदमी जो बैठा था उस आदमी का कंकाल क्यों नहीं बना शरीर का, और उसने जो सामान रखा था वो कौन सा फ्रिज में रखा गया था जो बिल्कुल सड़ा गला नहीं? क्या ये किस्सा सच मालूम पड़ता है आप लोगों को? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, जबरदस्ती नहीं, दिमाग पर जोर डाल दिए, दिमाग पर जोर डालिए और दिमाग से तस्लीम कीजिए कि यह किस्सा पुरानी किस्सा सही है या गप है। गप है, और गप खाली गप कहिएगा तो भी बात बनेगी नहीं। मुझे लग रहा है इसमें गप गप है, गप गप है। इसमें अल्लाह के इस किस्से में कितनी बेतुकी बातें हैं, ये अल्लाह की दशा है तो अल्लाह के बंदों को क्या होना है इसे अंदाज लगा लीजिए। जब ये अल्लाह की ये दशा है तो अल्लाह के बंदों का क्या हाल होना है ये समझ लीजिए। इससे पता लगा कि कुरानी संपूर्ण कुरान के किस्से में ये किस्सा ही किस्सा है। अल्लाह ने खुद कहा इस बात को, अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताअक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका हसनल क़ससि बिमा वहयना इलैका हाज़ल क़ुरआन वइन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल ग़ाफ़िलीन। सूरह यूसुफ, सूरह बकर, ये यूसुफ सूरह नंबर 12, पारा नंबर भी 12 है। सूरह यूसुफ का आयत नंबर 1, 2, 3, 4 का मैंने चर्चा की। तो यहाँ अल्लाह ने बोला कि कुरान के माध्यम से एक मनोरम किस्सा मैं बयान कर रहा हूँ, जिस किस्से से तुम गाफिल थे, जिस किस्से को तुम नहीं जानते थे, ऐसा किस्सा मैं बयान कर रहा हूँ। कहाँ? कुरान के माध्यम से। तो जब इससे क्या पता लगा कि कुरान महज एक किस्सा और कहानी की किताब है। अब इससे कैसा पता लगेगा सही अर्थों में ये किस्सा क्या है, क्यों है, कैसे है? तो ये जो किस्सा बताया है अल्लाह ने, ये सूरह यूसुफ का है। यूसुफ नाम का एक पैगंबर था, और कैसा किस्सा मनगढ़ंत है ये इसमें देखिएगा कि एक बार की बात है, हजरत लूत के काल में, लूत एक पैगंबर का नाम था, वो बाइबल में भी आया है और कुरान में भी आया है, किस्सा मिलता जुलता है दोनों का, क्योंकि एक दूसरे का नकल किया, जो मैं पहले ही बोला था। जब एक ने देखा कि एक ने दुकान अपनी चला ली तो हमारी दुकान क्यों नहीं चल सकती है, तो इसलिए उसने अपनी बातों को इधर उधर से लेकर के इसने भी अपनी दुकान चलाना शुरू कर दी, तो इनकी भी ये दुकान चल रही है। तो लूत का काल था, लूत एक पैगंबर का नाम था, और उस पैगंबर के काल में लोग पुरुषों से बदफेली करते थे, यानी समलैंगिक व्यवहार करते थे, जो अल्लाह को रास नहीं आया। तो अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया उसको रोकने के लिए। तो फरिश्ता आ रहे हैं, इब्राहिम नाम के एक पैगंबर थे उनके घर से। फरिश्ते जब इब्राहिम के घर में पहुंचे तो इब्राहिम इन फरिश्तों को देख करके वो समझ नहीं पाए, तो मेहमान नवाजी करने के लिए, मेहमानों को खिलाने के लिए, खातिरदारी करने के लिए उसने एक बछड़े का ज़बह किया। एक बछड़े को ज़बह किया, उस बछड़े का गोश्त मना करके ला करके इनके सामने हाजिर किया। लेकिन इन्होंने कहा हम तो अल्लाह के फरिश्ते हैं, हमें खाना नहीं पड़ता। लेकिन बंधु ज़रा विचार करके देखिएगा,
कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, हमें खाना नहीं पड़ता, ये बात अगर वो लोग पहले कह देते होते जब वो बछड़े को काट रहा था, कम से कम बछड़े का प्राण तो बच जाता ना। भाई हाँ भी नहीं बोलेंगे आप लोग और मना भी नहीं करेंगे। मैं अगर बोल रहा हूँ किस्सा में कहीं पर झूठ है तो वो मुझे रोकिए ना, और सच बोल रहा हूँ मैं तो स्वीकार करिए। ये महज किस्सा है कि नहीं है? और किस्सा क्या है कि बड़े इब्राहिम के घर में जो ये मेहमान गए, मेहमान नवाजी के लिए उन्होंने बछड़े का बछड़े को काट करके उसके गोश्त बना कर ला करके दिया, और वो अल्लाह के फरिश्ते, उनको खाने की आवश्यकता नहीं है, पीने की आवश्यकता नहीं है, ये बात अगर वो पहले कह देते होते तो बछड़े का प्राण बचता कि नहीं बचता? तो मैं भी यही पूछ रहा हूँ आप लोगों से, मैं कोई नई बात तो आप लोगों से पूछा नहीं। इसमें जो किस्सा बताई गई है वो किस्सा सही है या नहीं है, वही मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, उस पर मोहर लगवा रहा हूँ ताकि मैं दुनियादारी में लोगों को बता पाऊँ कि हाँ मैं फला जगह गया था, फला जगह जाकर यह किस्सा सुनाया है और हमारी बातों पर लोगों ने मोहर लगाई कि हाँ आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो आगे चलिए, पता लगा कि वो लोग जो फरिश्ते थे वो उन फरिश्तों को जाना था लूत के घर में, तो इब्राहिम के घर से इसलिए होकर के जा रहे हैं कि इब्राहिम की पत्नी बांझ थी और बहुत बूढ़ी थी, 80 साल से भी ऊपर हो गया था, और इब्राहिम भी बूढ़े थे। तो फरिश्तों ने इब्राहिम की पत्नी, सारा नाम था उनका, उनसे कहने लगे कि तुम्हारे एक बच्चा होने वाला है, एक बच्चा आने वाला है। तो इब्राहिम की पत्नी उसने कही सारा बीबी ने कि मैं तो बांझ हूँ और बुढ़ापे में हूँ, मेरे पति भी बूढ़े हैं, हमारे संतान कैसे होंगे? तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह चाहेंगे हो जाएंगे। अब देखिए बांझ किसको कहा जाता है दुनिया में, आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी, जो महिला संतान ना दे सके उन महिला का नाम बांझ है, तो जो महिला संतान जन्म ना दे सके उन महिला का नाम बांझ है। तो यहाँ इब्राहिम की पत्नी सारा बीबी से कहलवा रहे हैं कि वो बांझ है लेकिन अल्लाह संतान देंगे। अब फिर कमाल देखिए कुरान की, किस्से का कमाल देखिए, संतान होंगे, वो संतान तो अभी जन्मा नहीं है, संतान का नाम भी बताया जा रहा है, उस बच्चे का नाम इसहाक रखना। और भी कमाल देखिए, उस बच्चे का नाम इसहाक रखना जो अभी जन्म नहीं लिया, और फिर उसके घर में भी एक बच्चा होगा, उस बच्चे का नाम याकूब रखना। अच्छा, ये किस्सा सच मालूम हो रहा है आप लोगों को? इस किस्सा का सच होना मालूम पड़ रहा है, ये कुरानी किस्सा है। अच्छा, फिर आगे देखिएगा कि महिलाएं ज़्यादा उम्र की हो जाती है, 50 से ऊपर हो जाती है, तो महिलाओं में संतान जन्म देने की क्षमता नहीं रहती, यानी रजस्वला पार करने के बाद महिलाओं में संतान उत्पत्ति करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन यहाँ 80 साल की बुढ़िया, 80 साल से भी ऊपर, और इब्राहिम की भी आयु इतनी ही है, तो इनसे अल्लाह चाहेंगे संतान देंगे। अल्लाह क्या चाह रहे हैं ये देखिएगा, अल्लाह की चाह क्या है वो देखिएगा। तो अल्लाह की ये चाह विज्ञान सम्मत है, सृष्टि सम्मत है या सृष्टि विरुद्ध है? सृष्टि के विरुद्ध है, सृष्टि नियम विरुद्ध है, विज्ञान विरुद्ध है। तो सृष्टि नियम विरुद्ध, विज्ञान विरुद्ध बातों को, कुरान के इस किस्से को जो नहीं मानेगा, जो कहेगा ये किस्सा है झूठ है, तो वो इस्लाम में रहने की उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अरे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, बोलो तो भाई सही है? नहीं है, नहीं। इस्लाम में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं रह सकता वो, और रह नहीं सकता, ये केवल बात नहीं है, मुझसे ही कहा कि निकलो बस, यहाँ नहीं है जगह तुम्हारे लिए, निकलो तुम यहाँ से। तुमने सवाल उठाया, यानी अल्लाह की कई भी बातों पर सवाल उठाया जाना संभव नहीं है। तो उस यूसुफ के किस्सा में ये बताया, और वो जो इसहाक और याकूब बताया, उस याकूब के घर में आया यूसुफ, और यूसुफ के लिए वो इतना हुस्न अल्लाह ने उसको दिया था
कि एक अजीज मिस्र के बादशाह का नाम अजीज था, अजीज के पत्नी के साथ इनका रोमांस चल रहा था, तो जब महिलाओं ने कोसना शुरू कर दिया अजीज के पत्नी को, तो अजीज के पत्नी ने कही कह रहे वो तो उसके हुस्न देखोगे तुम लोग भी ताजुब हो गए, तो क्या करना है, तो उन सभी महिलाओं को एक हाथ में फल और चक्कू दे करके बिठा दिया सड़क पे कि जब यूसुफ को यहाँ से ले जाएंगे तो फल को काटना। और पुराने किस्सा यह है कि फल काटने के जगह सब महिलाओं ने अपने अपने हाथ काट डाली यूसुफ के हुस्न को देखकर, इसके खूबसूरती को देखकर के। तो जब ये लूत के घर आए तो लूत में जा करके बोला कि जो तुम्हारे यहाँ के लोग जो आपस में पुरुष पुरुषों से बदफेली करते हैं, हम अल्लाह के फरिश्ता हैं और इसको नष्ट करने के लिए, ध्वंस करने के लिए आए, तुम लोग यहाँ से रात के अंधेरे में निकल जाओ। और लूत के तीन पत्नी, ये तीन सदस्य थे, पति पत्नी और दो बेटी, चार सदस्य थे। लेकिन चार सदस्यों में लूत के पत्नी को कुरान बताता है कि वो अल्लाह के दीन में नहीं थी। अब लूत के पत्नी को अल्लाह के दीन में अल्लाह नहीं ला पाए, जबकि कुरान गवाह है, कुरान कहता है वमा तशाउन इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। लेकिन नूह के पत्नी को, लूत की पत्नी को अल्लाह अपने दिन में नहीं मिला पाए, उधर नूह की पत्नी को भी अल्लाह अपने दिन में नहीं मिला पाए। जो अल्लाह ने कहा मैं जो चाहता वही होता है, जो मैं नहीं चाहता नहीं होता। तो मैं पाकिस्तानियों से पूछा, हाफिज सईद से पूछा कि भारत के सैनिकों ने जो पाकिस्तान में सैनिक स्ट्राइक किया, ये अल्लाह ने चाहा कि नहीं चाहा? अल्लाह अगर नहीं चाहते होते सैनिक स्ट्राइक नहीं हो पाता। तुम मोदी को कोस रहे हो, मोदी को देख लेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह भारत को देख लेंगे। अरे मोदी, अल्लाह ने प्रधानमंत्री मोदी को बनाना चाहा कि नहीं? अल्लाह अगर प्रधानमंत्री मोदी को ना बनाना चाहते होते, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ना बनाना चाहते होते तो बनते कैसे? ये सारा दोष अल्लाह पर लग रहा है और अल्लाह खुद कह रहे हैं इस बात को, वमा तशाउन इल्ला अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं जब तक ना चाहूं तुम लोगों के चाहने पर भी कुछ नहीं कर पाओगे, जब तक मैं ना चाहूं तो, यानी अल्लाह के चाहने पर सब कुछ हो रहा है। अब देखिए अल्लाह की दुनिया कितनी बड़ी है। लूत के पत्नी को लूत अपने दिन में नहीं मिला पाए, तो इनको निकल करके जाने के लिए बोला। चार लोग थे, पति पत्नी ये दोनों और दोनों बेटी, लेकिन पत्नी को अल्लाह ने मौत दे दिया और लूत से कहा कि पत्नी तुम्हारी बचेगी नहीं, इसको मैं मार दूंगा, क्योंकि उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो लोग बदफेली करते हैं। और उनके ऊपर अल्लाह ने आसमान से पत्थर बरसाया और उन पत्थरों में नाम लिख करके आया, जिन जिन पर गिरना है उन लोगों का नाम लिख करके आया। तो मैंने यहाँ इस्लाम जगत के आलिमों से ये सवाल किया कि अल्लाह ने जो पत्थरों में नाम लिख करके उसके ऊपर गिराया, पत्थर में नाम लिखा किसने था, लिखने के लिए क्या उपकरण था, किस चीज़ से लिखी गई? तो कुरान कहता है अल्लाह ने सबसे पहले कलम बनाया, तो कलम बनाया लिखने के लिए, लेकिन कलम के रॉ मटेरियल्स क्या थे? रॉ मटेरियल्स के बगैर कलम का बनाया जाना संभव होगा क्या? बिल्कुल नहीं। यानी जिस चीज़ से आप कलम बनाएंगे वो चीज़ का रहना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं, अल्लाह चाहेंगे हो जाए बस यूँ कर दिया, जैसे जादूगर लोग खेल दिखाते हैं ऐसा कर दिया कलम हो गया। तो अल्लाह ने ये सब लिख दिया था उसके नाम, उन लोगों के नाम। अब दुनिया तबाह हो गई, तो लूत की दुनिया यानी अल्लाह की दुनिया कितनी बड़ी है? चार लोगों को लेकर के, लूत एक पैगंबर, उसकी पत्नी, उसकी दोनों बेटी, इतनी बड़ी दुनिया है अल्लाह की। तो मैंने बोला, सवाल उठाया इस्लाम जगत से कि लूत दुनिया में है या दुनिया में लूत है? फिर समझिएगा कि लूत इस दुनिया में है या दुनिया लूत में है। जब लूत दुनिया में है तो दुनिया बड़ी होती है या चार परिवार को लेकर के एक छोटा सा परिवार होता है दुनिया? दुनिया इतनी सी होती है क्या? और दुनिया कितनी बड़ी है इसका भी ज्ञान अल्लाह को नहीं है। अब आगे का जेनरेशन जो हुआ, बाइबल कहता है कि लूत ने अपने दोनों बेटी से संतान उत्पत्ति करी, कुरान मौन है यहाँ पर।
तो इस तरीके से किम बदंती कुरान और बाइबल में भरे पड़े हैं, एक से बढ़कर एक किस्सा कुरान और बाइबल में पा जाएंगे। इसीलिए कुरान खुद कह रहा है कि नहनु नकुस्सु अलैक अहसनल कसस बिमा वहैना इलैक हाज़ल कुरान, कि मैं एक मनोरम किस्सा बयान कर रहा हूँ इस कुरान के माध्यम से, जिस किस्से को तुम नहीं जानते थे, जिस किस्से से तुम गाफिल थे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि परमपिता परमात्मा ने जो मानव को बनाया है, मानव कहलाने का हकदार बना है अकल के बिना पर। परमात्मा ने अक्ल सलीम अता फरमाया है, विवेक और बुद्धि से नवाजा है मानव को, इसलिए मानव का नाम मानव पड़ा। और मानव अगर बुद्धि से पैदल हो जाए तो फिर मानव का नाम क्या पड़ेगा, जानवर हो जाएगा, पशु हो जाएगा। नहीं, जानवर होगा ना पशु होगा। मानव अगर दिमाग से काम करना बंद कर दे तो लोग उसको क्या कहेंगे, तो आप जानवर बता रहे, लोग उसको पागल कहेंगे। यानी जो दिमाग से काम ना ले लोग क्या कहेंगे उसको, पागल कहेंगे। आप मैं नहीं जान रहा हूँ, ये आप लोगों को अपने आप को विचार करना होगा कि कुरान के मानने वाले पागल हैं या गल को पाने वाला है। पागल यानी पंजाबी भाषा में पागल के माने होता है गल को पा जाना, बात को पा लेना। तो क्या बात है इसमें, ये खुद लोग मानव कहलाने वाले इस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि सही और गलत का निर्णय लेंगे। लेकिन वेद में ऐसी बेतुकी बातों की कोई गुंजाइश नहीं, इसीलिए यहाँ बताया गया यश तर्केनु अनुसंधत्त सधर्म वेद ने तरा, हर बात को तर्क कसौटी पर कसिए, जवाब दे तो मानिए, जवाब न दे तो मत मानिए। हमारे यहाँ पर तर्क के बगैर कोई बात मानने लायक हर बात को तर्क के कसौटी पर कसने के बाद उसको अगर सिद्ध हो खरा उतरे तो मानो, अगर खरा ना उतरे तो मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मनु महाराज लिखते हैं यस तर्केनु अनुसद्धत्त सधर्म वेद नेतारा, कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसो, तर्क में वो खरा ना उतरे उसको मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन कुरान बाइबल आदि आदि जितने भी मजहबी पुस्तक हैं उन मजहबी पुस्तकों में तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तर्क की कसौटी पर आप नहीं कर सकते वहाँ पर। यही कारण बना कि मैंने निवेदन किया कि धरती पर कुछ लोग हैं जो ईश्वर के नाम से महज दुकानदारी चला रहे हैं, धर्म के नाम से भी महज दुकानदारी चला रहे हैं, जबकि धर्म क्या है उसको जाना नहीं। तो धरती पर विचरण करने वाले लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को और जीवात्मा को दोनों को एक मानते हैं। यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा अहम ब्रह्मास्मि सो अहम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुलसी ने कहा, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है आदि आदि। यानी जीवात्मा को ईश्वर का अंश माना। कुछ लोग ऐसे हैं परमात्मा को केवल मानते हैं और प्रकृति को मानते हैं, बाकी जीवात्मा को नहीं मानते और ईश्वर को भी नहीं मानते। कुछ लोग और भी हैं जो ईश्वर प्रकृति और जीव तीनों को मानते हैं। अब इनमें से ज़रा पड़ताल करके देखिएगा कि किनका मानना सही है। जो लोग ईश्वर का अंश मानते हैं जीवात्मा को, तो कहाँ तक ये सही है। जहाँ तक ईश्वर का अंश जीवात्मा को आप मानेंगे, तो ईश्वर का अंश होने के लिए पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ईश्वर ठोस है, तरल है या गैस है जिसका आप अंश निकाल रहे हैं। ठोस हो, तरल हो या गैस हो, इस तीन दशा में अंश का निकाला जाना संभव होगा। तो परमात्मा का अंश का होना संभव ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर परमात्मा का अंश आप निकालेंगे तो निकाले हुए अंश में भी तो वही गुण होना चाहिए ना जो गुण आप यहाँ से निकाल रहे हैं। जैसा एक जगह अग्नि की ढेर लगी है, जब अग्नि की ढेर लगी है तो वहाँ से आप अग्नि के कण को निकालेंगे, आप क्या निकाली हुई आग में भी वही गुण पाएंगे ना जहाँ से निकालेंगे आप। लेकिन यहाँ नहीं है, जीवात्मा में वो गुण नहीं है जो परमात्मा में है। ऋषि दयानंद ने इसको अलग करके बताया, ऋषि दयानंद ने वेद का प्रमाण दिया। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसो जाते
तयोरन्यापि पलम स्वादवती अनशनन्नु अभिचाक्षी थी। ईश्वर, प्रकृति और जीव, ये तीनों का मिलान क्या है कि समकालीन है, तीनों बराबर से है। तीनों में से कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। तीनों में सिर्फ अंतर यह है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है और प्रकृति ज्ञान शून्य है। जीवात्मा में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है। तो जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करना चाहता है, लेकिन परमात्मा को ढूंढना नहीं है। परमात्मा को जो लोग ढूंढते हैं, कुछ लोग इनमें से और हैं जो परमात्मा को ढूंढने की बात कहते हैं, बहुत सारे महात्मा हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो ईश्वर को ढूंढने की बात कह रहे हैं। लेकिन ढूंढा तब जाएगा जब हम खो बैठेंगे, जबकि परमात्मा खोने की वस्तु नहीं है। परमात्मा खोने की वस्तु नहीं है, भले ही हम अज्ञानता के बस हम खो बैठे हैं, लेकिन परमात्मा हमसे दूर नहीं है। हम उससे दूर अपने को मान रहे हैं, लेकिन वो हमसे दूर नहीं है, इसलिए परमात्मा खोने की वस्तु नहीं है। तो वेद में इसका प्रमाण आया है, तद जति तन्नय जति तद दूरे तदवंती के, अर्थात परमात्मा अज्ञानियों के लिए दूर से दूर है और ज्ञानियों के लिए नजदीक से भी नजदीक है। और दूरी तीन प्रकार की होती है, एक काल की दूरी, एक स्थान की दूरी और एक ज्ञान की दूरी। तो ये ज्ञान की दूरी के लिए ही हम नहीं मान रहे हैं, इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। ऋषि दयानंद ने इसी को ही दूरीकरण किया। ऋषि दयानंद ने कहा कि परमात्मा में, जीवात्मा में और प्रकृति में, तीनों में भेद सिर्फ इतना है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है, प्रकृति ज्ञान शून्य है, जीवात्मा में कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञानता है। जीवात्मा अपनी अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा का सानिध्य लाभ करना पड़ता है। लेकिन इसमें भी लोगों ने नहीं माना। ईसाई लोग यहाँ तक मानते हैं कि ये जीवात्मा ईश्वर का इकलौता बेटा है, ईश्वर का इकलौता बेटा माना हजरत ईसा मसीह को। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि ईश्वर का इकलौता बेटा अगर हजरत ईसा मसीह हो जाए, तो हम और आप क्या ईश्वर के सौतेले बेटे होंगे? आई नहीं। क्या होना चाहिए? हम भी बेटे हैं उनके। हम भी बेटे हैं, लेकिन ईसाई नहीं मानते। ईसाई कहते ईश्वर ईसा मसीह का एकमात्र बेटा है हजरत ईसा। तो मैंने पूछा कि अगर हजरत ईसा मसीह ईश्वर का इकलौता बेटा है, तो बाप पहले है या बेटा पहले है? आप क्या बोलेंगे आप लोग? बाप पहले है। बाप पहले है जी। बेटा बाद में है। लेकिन वेद कहता है नहीं, वेद कहता है कि यही तुम्हारी ज्ञान की कमी है, तुम जानते ही नहीं हो, इस चीज़ को जानने का प्रयास भी नहीं किया कि जब से परमात्मा है उस समय से जीवात्मा है, पिता और पुत्र के काल में अंतर नहीं है। इसलिए तो दुआ सुपर्णा सयुजा सखाया बोला है, समानम वृक्षम परिशुष्य जाते बोला है, तयोरन्यपि परम स्वादवती अनशनन्नु अभिचाक्षीति कहा है कि ईश्वर, प्रकृति और जीव जैसा एक वृक्ष है, वृक्ष ही प्रकृति रूपी वृक्ष में दो चिड़िया बैठी है, दो चिड़िया बैठी है, एक अल्पज रूपी चिड़िया और एक सर्वज रूपी चिड़िया है। तो अल्पज जीवात्मा है, सर्वज परमात्मा है। परमात्मा को खाना पीना नहीं पड़ता, लेकिन जीवात्मा को खाना पीना पड़ता है। लेकिन काल कब से है कि जब से पिता है उस समय से ही पुत्र है, पिता के पुत्र के काल में अंतर नहीं है। अगर कोई पहले पिता कहे तो जब उसके घर में पुत्र नहीं था तो वो किसका पिता होगा? ये बात जो आपने पहले बोला पिता, किसी का पहले हुआ क्या? वो भी किसी का पहले हुआ। ये हमको बहकाने लगे थे। बिना बेटे कौन? अपने पास ज्ञान की कमी है वो जाहिर नहीं कर रहे, वो हमें बहका रहे, खुद अपने गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि गलत बोला उन्होंने। पिता कहलाएगा वो तब जब उसके घर में कोई पुत्र होगा। सही है। उसके घर में अगर कोई पुत्र नहीं तो किसी का वो पिता नहीं। अगर कोई कहे पुत्र पहले है तो बिना पिता का पुत्र बनेगा क्या? बिना पिता का पुत्र बनता है, कुरान में बनता है, बाइबल में बनता है, आपके महाभारत में भी बना है। कुंती कैसे गर्भवती हुई? और ईसा मसीह कैसे पैदा हुए? बोले बिन बाप के संतान है। वेद कहता है कि नहीं, संभव ही नहीं होगा, बिना पिता का पुत्र नहीं बन सकता और बिना पुत्र का पिता नहीं कहला सकता। दोनों के काल बराबर से हैं, समकालीन है, आगे पीछे छोटा बड़ा नहीं है। पर आगे पीछे छोटा बड़ा क्या है? परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है और जीव प्रकृति ज्ञान शून्य है, जीवात्मा में कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञानता है। जैसा
आप लोगों से मैं कई बार पूछ रहा हूँ ना, लेकिन आप लोगों से नज़दीक में माइक है, मैं माइक से क्यों नहीं पूछा? ज्ञान ही नहीं, ये जड़ है, इसलिए मैं जानता हूँ माइक से पूछना बेकार है, माइक से पूछने पर ये हमें जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। तो इसी तरीके से जानना है, ऋषि दयानंद ने वो जानकारी दी है मानव समाज को। ऋषि दयानंद ने कहा कि ये सरासर झूठ है, सरासर गलत है, सत्य से कोसों दूर है, लोगों ने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। अगर ये सत्य को जानते होते, सत्य को जान करके मानते होते, ईश्वर को कहीं पर भी धोखा खाना नहीं पड़ता। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को विवेक और बुद्धि दिया है, आदि सृष्टि में ही विवेक और बुद्धि दिया है। लेकिन विवेक और बुद्धि को आप जितना चाहेंगे उसमें पैनी लगा सकते हैं, धार बना सकते हैं, धियो योना प्रचोदया किसी को ही कहा गया, इसलिए कहा गया है कि आप अपने ज्ञान को जितना वृद्धि कर सकते हैं उतना आप करा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसका जो तरीका है उस तरीका को अपना कर। अगर उस तरीका को नहीं अपनाते हैं तो ज्ञान में वृद्धि संभव ही नहीं है। इसीलिए यहाँ धियो योना प्रचोदया की बात आई है। तो परमात्मा से हम मांगे, क्या मांगे? क्या परमात्मा आप हमें बुद्धि दीजिए, आप हमें विद्या दीजिए, क्योंकि मानव जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या और बुद्धि ये दो चीज़ होती हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा के बारे में दुनिया ने जानने का प्रयास नहीं किया। ऋषि दयानंद ने एक एक बातों को खोल खोल करके मानव समाज के में रखा है कि अय मानव कहलाने वालों, अगर सच्चाई में तुम मानव कहलाना चाहते हो तो बुद्धि पर जोर डालना पड़ेगा, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्दत रहना पड़ेगा। और अगर तुमने सच्चाई को नहीं माना, सत्य को तिलांजलि दिया, तो तुम मानव कहलाने के भी अधिकारी नहीं होंगे। यानी मानव कहलाने के लिए भी सत्य के नज़दीक आना पड़ेगा। जो सत्य को नहीं मानता है वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं बनेगा, जो सत्य को अपने जीवन में नहीं उतारता है वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं बनेगा। यानी सारा काम यहाँ पर सत्य पर ही जुड़ा हुआ है। देखिए अहिंसा के बाद सत्य है, फौरन योग दर्शन में आप देखेंगे पहला शब्द अहिंसा आया, दूसरा शब्द सत्य आया है। अगर सत्य को आप तिलांजलि देंगे तो आप परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकते। तो हर एक काम यहाँ पर सत्य पर ही जुड़ा हुआ है, वैदिक संस्कृति का आधार ही सत्य है। लेकिन सत्य अन्य जगह नहीं है, जहाँ पर अंधापन है, जहाँ पर ब्लाइंडनेस है, जहाँ पर अंधा अनुकरण है, जहाँ पर मानने की बात नहीं है, वहाँ पर केवल कहा गया है जानो मत मानो। और हमारे यहाँ पर मानो मत जानो, जान करके मानना होगा, बिना जाने हम किसी को माने कुछ माने संभव नहीं है। जैसा भी सड़क चलते समय रात के समय में रस्सी को सांप जैसे हम माने, या सांप है तो सांप को हम रस्सी माने, तो संभव नहीं होगा। सांप को रस्सी मानना क्या होगा? सांप को रस्सी मानना क्या होगा? सांप है अज्ञानता। लेकिन हिंदू धर्म इसी अज्ञानता पर टिकी हुई है। तुलसी गया सांप को रस्सी मानकर ससुराल, ये तो गनीमत समझिए, धन्यवाद दीजिए उनको कि अपने पत्नी के घर में गए, सास के घर में चले गए होते, सास के कमरे में तो अच्छी मरम्मत हो जाती। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि ये सब मिथ्या पर आधारित है, मिथ्या पर ही टिकी हुई है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि सत्य सनातन वैदिक धर्म में मिथ्या के लिए लेश मात्र भी कोई जगह नहीं है। अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो सत्य को जानना पड़ेगा, सत्य के साथ नाता जोड़ना पड़ेगा, सत्य के साथ रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। अगर तुमने सत्य के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा, सत्य को नहीं जाना, सत्य को तिलांजलि दिया, तो मान रखो कि तुम मानव जीवन को सफल बना नहीं सकते हो। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए केवल और केवल एक ही रास्ता है, जिस रास्ते का नाम सत्य है। और सत्य को मानव जीवन के साथ ये लगाव होना चाहिए, मानव ही सत्य को जानने का न जानने का प्रयास कर सकता है, मानव ही जान सकता है सत्य और असत्य को, परख सकता है मानव, क्योंकि परखने के लिए परमात्मा ने ये शक्ति केवल मानवों को दी है। आप ये मत समझिएगा कि पशुओं को ज्ञान नहीं है, पशुओं को भी है,
लेकिन वो पशुओं के जो ज्ञान है वो साधारण ज्ञान है, उनके पास नैमित्तिक ज्ञान नहीं है। मैं जब विदेश में गया, बहुत बार देखा, हॉलैंड में देखा, फ्रांस में, जर्मनी में, बेल्जियम में, डेनमार्क में, बहुत जगह देखा इस तरीके। मछलियों को इशारा कर रहा है, मछली डांस कर रहा है आदमी के हाथ की इशारा से। अब देखिएगा कि एक इंसान मछली को ज्ञान देता है, सिखाता है, लेकिन मछली में यह ताकत नहीं कि मछली दूसरे किसी को सिखा दे। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि परमात्मा का जो दिया हुआ मानव मात्र को साधारण ज्ञान और नैमित्तिक ज्ञान दोनों है, तो मानव जो ज्ञान मानव को दिया है परमात्मा ने, ये किसी और को सिखा सकता है, लेकिन इसके सीखे हुए, मानव से सीखे हुए जीव जंतु किसी और जीव जंतु को नहीं सिखा सकता। इससे ये अंदाज़ा लगा लीजिए। तो मैंने निवेदन किया कि परमपिता परमात्मा को जानने के लिए सत्य के साथ ही नाता जुड़ना पड़ेगा। तभी ऋषि दयानंद ने सत्य पर ही बल दिया और कहा सत्यम, सत्य को धारण करो, असत को छोड़ो। सत्य को धारण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्दत रहना चाहिए। आर्य समाज के तीसरा नियम में ऋषि दयानंद लिखते हैं, लेकिन एक आर्य समाज को छोड़कर किसी अन्य समाज में, संप्रदाय में जाएंगे, कहीं पर भी सत्य पर खरा उतरने वाली बातें नहीं है। वहाँ ये कह रहे हैं कि मान लो, बस माने बगैर काम नहीं चलता। हमारे यहाँ पर जाने बगैर काम नहीं चलता, हमारे यहाँ पर जान करके मानना होगा, दूसरे जगह में जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल मानना है। तो मैं चाहूँगा कि लगभग 45 मिनट तक मैं बोल गया हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। और पूज्य स्वामी जी को रात का समय है, आप लोग देर से शुरू करते हैं, इसलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अभी सब लोगों ने ताली बजा करके स्वागत करेंगे।